उत्तर प्रदेश सरकार भले ही विकास के नाम पर आने वाले चुनाव में जीतने की तैयारी कर रही, केंद्र सरकार देश भर में गांव-गांव बिजली पहुंचाने को अपना मिशन बताकर जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने में लगी हुई है। लेकिन इन सब योजनाओं के बावजूद बाराबंकी के एक गांव में आजादी के बाद से अभी तक लोगों ने अपने घरों में बिजली नहीं देखी। आज देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन आज भी इस गांव में सिर्फ प्रकाश का एक स्रोत सूरज है। यहां पर लोग ज्यादातर काम सूरज के प्रकाश में ही निपटा लेते हैं। दरअसल ये मामला बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ के तिलाकापुरवा गांव का है। इस गांव में आज तक बिजली के लिए गांव वाले मायूस हैं। गांव में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेलीविजन का मुंह तक नहीं देखा। गांव में अच्छी खासी आबादी के साथ खड़ंजा और साफ सफाई भी है, लेकिन बिजली नहीं है। गांव में बिजली के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहां पर बिजली के खंभों के नामों निशान तक नहीं दिख रहे। वहीं गांव वालों का कहना है कि नेता चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि जीतने के बाद उनके गांव में बिजली पहुंचाया जाएगा, लेकिन नेता चुनाव जीतने के बाद फिर गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखते। गांव के प्रधान ने भी बिजली लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी अधिकारी ने गांव आकर देखा भी नहीं। ग्रामीणों की परेशानी देखकर अब बीता हुआ समय ये बताने के लिए काफी है कि बाराबंकी प्रशासन और स्थानीय नेता गांव की समस्या के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वहीं गांव वालों का मानना है कि राजनीति और वोट बैंक होने के चलते इस गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी। सवाल ये उठता है कि जिस देश में सरकार विशेष योजना बनाकर लोगों को लाभ देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर भी वर्षों से कई गांव बिजली की सुविधा से कोसों दूर हैं। आखिर इन योजनाओं का पैसा जाता कहाँ है? ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश .org। क्या नाम है बेटा? मोहित। गांव का क्या नाम है? तिलकपुरवा। पढ़ने जाते हो? किस क्लास में हो? यकमा। पढ़ाई कैसे करते हो रात में? चिराग जला। बिजली नहीं है आपके गाँव में? टीवी नहीं देखते? नहीं। तो कैसे क्या देखते हो फिर? मोबाइल। मोबाइल चार्ज करने जाते हो? कहाँ? कहाँ के रहने वाले हैं? तिलाकापुरवा। क्या मामला है? लाइट नहीं है हमारे यहाँ। फिर? अरे लाइट हो चाहे तो टीवी वगैरह चलती है आपके गांव? नहीं, टीवी वगैरह कुछ नहीं है हमारे पूरे गांव। टीवी किसी की नहीं है? नहीं। तो किसी जनप्रतिनिधि का भाषण वगैरह कैसे सुनते हैं आप? भाषण आजा बाजा सुन ली जाते, वो कहाँ सुना जाते। अच्छा, बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? चिमनी जला कर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। मोबाइल कैसे फिर आप चार्ज करते हैं बिजली? मोबाइल दूसरे गांव में जाते हैं चार्ज करने। कोई स्थानीय विधायक यहाँ आता है कोई समस्या को? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं लाइट हो जाए हमारे यहाँ। क्या नाम है? विनोद कुमार सिंह, ग्राम सभा सड़वा। बिजली नहीं है आपके गांव? नहीं, बिजली तो बहुत दिन से नहीं है, अभी कोई व्यवस्था भी नहीं हुई। आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया बिजली? नहीं, कई बार प्रयास किया गया। कहाँ दिया? अरे बिजली विभाग में अप्लीकेशन और सब दिया गया, बात किया गया, लेकिन सफलता नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ के विधायक कहते हैं हमारी सुनी ही नहीं जाती। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमारे यहाँ बिजली तत्काल लगे और क्या। कुमार पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं? तिलाकापुरवा। क्या मामला है? मामला यह है कि सर हमारे यहाँ लाइट जो है कभी नहीं है और है भी नहीं, और टीवी में हम लोग अपने अधिकारियों को मोदी योगी को नहीं देख पा रहे हैं। चिमनी जला के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं और बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। फोटो अखबार में देखते हैं, बाकी टीवी कभी नहीं। टीवी हमारे गांव में किसी के पास भी है भी नहीं। मोबाइल वगैरह कहाँ चार्ज? मोबाइल दूसरे गांव में चार्ज करने के लिए जाते हैं। अगल बगल के गांव में लाइट है। कोई विधायक या कोई अधिकारी अभी तक आया? कोई कभी नहीं आया लाइट के विषय से। वैसे भी वोट जब पड़ने वाला होता है तब कोई कभी आता है, बाकी नहीं आता कभी भी।
कुछ चुनाव के बारे में कह रहे थे आप? चुनाव के बारे में हम सोच रहे हैं कि अब की इस बारी अगर चुनाव आया तो जो है हम वोट किसी को नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं कि जो हमारा वीडियो देखे वो हम लोगों का सहयोग करे, जबकि हमारे गांव में लाइट आ जाए।